जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को इकट्ठा कर लेता है, उसी तरह जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से इकट्ठा कर लेता है, अर्थात जो विषय इंद्रियों को सुख या दुख प्रदान करती हैं, जैसे स्वाद से, स्पर्श से, सुगंध से, रंगों से, गर्मी सर्दी से, शब्दों आदि से मिलने वाले सुखों और दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसका मन सुखों और दुखों के मिलने पर प्रभावित नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है।